मैं मनीष जी के पास जाना चाहता हूं। मनीष जी, जैसा अभी अरुण जी ने कहा कि असली कामयाबी तो तब होगी और बधाई आपको तब दी जानी चाहिए जब ये परीक्षा जो है सुरक्षित तरीके से और बड़े फेयर तरीके से कंडक्ट हो जाए, ये चैलेंज है आपकी सरकार के लिए? देखिए, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 को युवाओं के लिए और उनकी शुचिता और पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने जो भी आवेदन मिला उसकी समीक्षा करके निर्णय लिया कि उसको कैंसिल की जाएगी। साथ ही साथ जब दूसरी बार परीक्षा के लिए विद्यार्थी आए तो फुल प्रूफ परीक्षा हो और उनसे दोबारा शुल्क नहीं लिया जाएगा। और उत्तर अच्छा। प्रदेश परिवहन विभाग के द्वारा जो अभ्यर्थी हैं उनको निःशुल्क आवागमन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। अच्छा। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये एक बड़ी समस्या पूर्व से रही है, लेकिन हमारी सरकार के दौरान लगातार परीक्षा की शुचिता बरकरार रहे इसके लिए एसटीएफ और पुलिस को लगाया जाता है। फिर भी जब ये सूचना मिली और अभ्यर्थियों के द्वारा शिकायत मिली तो उसको उचित फोरम पर रखा गया और बहुत ही तत्परता से मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है। इस पूरी प्रक्रिया में जिन्होंने शुचिता को तोड़ा है, जिन्होंने परीक्षा की पारदर्शिता को भंग किया है, उनके ऊपर जो नए कानून बने हैं परीक्षाओं से संबंधित जी, उसको लागू करते हुए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है अनुराग जी, मनीष जी बीजेपी से हैं, उनका कहना है कि इस पर योगी सरकार ने बड़ी संवेदनशीलता से काम लिया है, छात्रों की बात समझी, उनसे अगर उन्होंने कुछ सबूत प्रमाण दिए तो उनको देखा और जब जांच में आया कि हाँ कुछ गड़बड़ी हुई है तो परीक्षा भी रद्द करा दी गई और अगली बार बड़े साफ तरीके से परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन आप और सभी प्रियंका जी, राहुली, सब लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि यूपी सरकार फेल हुई। अच्छा, इसमें फेल नहीं हुई तो क्या पास होगी यूपी सरकार? एक विद्यार्थी अभ्यर्थी लगातार एक साल दो साल तैयारी करता है, अपने घर से बाहर रहता है और मिनिमम खर्चा 2 लाख रुपए का आता है और गांव से उसके माँ बाप कैसे करके भेजते हैं, किसी को खेत बेचना पड़ता है और कोई ना कोई कैसे माने किस तरह से पैसे अरेंज करते हैं, कर्जे पे लेके अपने बच्चे को भेजते हैं। बच्चा साल भर तैयारी करता है और साल भर तैयारी के बाद जब एग्जाम देता है तो उसके बाद पेपर आउट होता है, लीक होता है, तो सोचो उसमें कैसी गुजरती होगी। हमने तो देखा है, कई कई बच्चे तो कह रहे हैं कि हम दो दो तीन तीन दिन सोए नहीं, 24 घंटे खाए नहीं, क्योंकि उनके पास उन्हें पता है फिर दोबारा से वही उनका प्रक्रिया शुरू होगी। अभी इन्होंने बोला कि छह महीने तक फिर दोबारा मतलब 1-1.5 लाख रुपए फिर वो कहां से अरेंज करेंगे, फिर वो रहेंगे कहीं ना कहीं किराए पे मकान लेके, फिर उसका खर्चा कौन ढोएगा? आपसे पूछना चाहता हूं, कौन उन बच्चों का खर्चा कौन ढोएगा? ये बोल के आप नहीं बच सकते कि एक अच्छा सा बहाना है, पूर्व काल में ऐसा था, हर घटना को पूर्व काल में लेके चले जाते हो। कमाल की बात है, पेपर लीक होता है पूर्व काल में, अरे बच्चे अगर धरना देने नहीं आते, अगर यहाँ लखनऊ के अंदर में आके इको गार्डन में नहीं बैठते आप तो सुनने वाले नहीं थे, आपने तो कह दिया था नहीं 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 FIR करो जो इसी अफवाह फैलाता है, पर्चा लीक वाली कोई मामला नहीं है। तो क्या स्टूडेंट एग्जाम दे, एग्जाम देने के बाद भूखे प्यासे आके यहाँ पे धरने पे बैठे, धरने में बैठने के बाद उनकी मांग सुनी जाएगी, तो क्या ये न्याय है? आप बताइए, एक बच्चा जो अपने रोजगार के लिए घूम रहा है वो क्या पुलिस की लाठी खाने के लिए यहाँ धरना देने तो आएगा नहीं कि धरना दे फिर लाठियों पे उनको घेरा जाए फिर दौड़ाया जाए, ये कहाँ का न्याय है?